राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 बे मरवा हो लाइन पर एक और घुमा ना और घुमा और घुमा ए चेहरा और सुधीर मुंडे राहुल गांधी मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी चोर है चोर है राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 ये बना वाला मतलब राहुल गांधी की क्या दवाई मुर्दा चप्पल और टुटाई राहुल गांधी की क्या दवाई मुर्दा चप्पल और टुटाई राहुल गांधी मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 छोड़ दे छोड़ दे गिर जा मुर्दाबाद गिर जा अरे गिरी का रह जा रह जा क्या बात है कांग्रेस पार्टी का हमेशा से दिवालियापन निकला है आप सब लोग जानते हैं और जिस तरह से संसद में हमारे माननीय सांसदों के प्रति हमारे पीठासीन अधिकारियों के प्रति जिस तरह का दुर्व्यवहार शब्द का प्रयोग किया मिमिक्री की गई है उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और हम लोग इसी नाते उनका पुतला दहन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनके नेता राहुल गांधी उनको क्या कहा जाए समय समय पर उनके बुद्धि और विवेक का आप लोगों ने सब लोगों ने देखा है कि किस तरह का उनका बुद्धि और विवेक है क्या मांग करते हैं आप लोग पुतला फूंक कर हम चाहते हैं कि वो सदन में माफी मांगे पूरे देश से माफी मांगे क्योंकि यह अक्षम्य अपराध उनके द्वारा किया गया है सस्पेंड कर दिया गया एक अलग बात है लेकिन एक नैतिक बात भी होती है एक नैतिक मूल्यों का भी मामला होता है कि उनको आगे आकर के इस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के नाते उसे पूरे देश से माफी मांगना चाहिए क्योंकि सदन जो है पूरे सर्वोच्च संस्था इस देश की और उसे उसका उसके अंदर जो अपमान किया गया है वह काबिले बर्दाश्त नहीं है मेरा नाम सचिंदर सिंह है और मैं जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा का हूं और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो एक किसान का अपमान हुआ है और किसान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के तर्ज पे पूरे प्रदेश में पूरे मुख्यालयों पर राहुल गांधी का पुतला फूंका जा रहा है और निश्चित रूप से हम राहुल गांधी के बारे में कह सकते हैं उन्होंने एक अनैतिक काम किया है जो जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए और हम मांग करते हैं उनको सस्पेंड के साथ साथ उनके पूरे देश की जनता से पूरे देश के किसानों से माफी मांगना चाहिए।